राजसमंद के केलवा में निजी टूरिस्ट बस में भीषण आग लग गई। आग से बस जलकर खाक हो गई। इस दौरान सवारियों ने नीचे उतर कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस अहमदाबाद से जयपुर की तरफ जा रही थी, तभी NH 8 पर केलवा पुराना अस्पताल के पास बस में आग लग गई। बस के पिछले टायर में आग लगने की सूचना यात्रियों ने चालक को दी। आनन फानन में सवारियों ने नीचे उतर कर अपनी जान बचाई। हादसे की सूचना पर केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं आग से बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीब 50 सवारियां मौजूद थीं। आग लगने का कारण लगेज अधिक होना बताया जा रहा है। हादसे के बाद बस का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील राजसमंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आखिर कैसे इस बस में आग लग गई, इसके पीछे के क्या कारण रहे और क्या किसी जानमाल का नुकसान हुआ है? हाँ, बता दूं, ये राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र के 4 लेन का मामला था, जहाँ अल सुबह ही अहमदाबाद से गाड़ी बस और इसमें जी और इसमें सवारियां ही बैठी जो सवारियां बैठी थी उन्हीं को इस आग का पता था, आगाह किया जा था क्योंकि, लेकिन आग जैसे जैसे सवारियों ने बहुत बड़ी आनंद फानंद जी बसों की खिड़कियां थी उनको तोड़ के और जैसे जैसे बाहर निकल गए। लेकिन इस पूरी घटना के मामले में सामने आया है कि पूरा लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्चों में अभी और भीषण के चलते ये टायर के लगातार रगड़ लगने से इसकी तरह आग पकड़ी गई है और इसमें करीब बता दो 50 सवारियां इसमें बैठी हुई थी, लेकिन सबने कूद के अपनी जान बचाई है। जी, आखिर ये बस जो है इसमें क्या कोई घायल भी हुआ है? किसी की घायल होने की किसी तरह की कोई सूचना है? हाँ, बता दो, जिस तरह से बड़ी वारदात तो थी ही, लेकिन लोगों ने जिस तरह से कूद के और जो खिड़कियां तोड़ के और जिस तरह से बाहर कूदे और बाहर बचा के जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, लेकिन काफी कुछ जो लोग थे उसमें कूद के जो बचे उनके हल्की उनके मामूली चोटें भी आई है, जिन्हें स्थानीय चिकित्सालय में ले जाया गया और उनका उपचार किया गया है। वैसे मौके से बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए हैं। बता दो, ये बस अहमदाबाद से जयपुर जा रही थी, सुबह ही घटना कारित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए।